अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोगों को, क्या आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और किसको कितना फर्क हो रहा है, किसके लिए कितना इजी है, किसके लिए कितना मुश्किल है, सब मुझे बताइए आप लोग, ताकि मैं आप लोगों के लिए और कुछ चीज़ें आसान लेकर आऊँ। कल हमने की थी फ्रंट क्रॉस किक और आज हम करेंगे साइड किक। ये पेट के लिए भी है और अक्सर लोगों के यहाँ से बर्ड्स बन जाते हैं, यहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा आ जाती है, पेट के साथ साथ हमारी ये चीज़ भी बढ़ती है। तो लेग्स के साथ साथ वो आपके पेट को भी कम करेगी, टांगे आपकी मेंटेन होगी, वेट लूज होगा और जो पेट है वो कम होगा, जो साइडें हैं, लव हैंडल भी बोल सकते हैं आप इसको, स्किन भी बोल सकती हैं, और हम अक्सर इसको बोलते हैं गुड़ुम्बे। अक्सर मेरी ये चीज़ थोड़ी बहुत अगर बढ़ जाए तो मेरी बहन कहती है कि पेट निकल रहा है, टिड्डी निकल रही है, टिड्डी। तो फिर टिड्डी को कवर करने के लिए मैं साइड किक, फ्रंट किक, क्रॉस किक और पेट की थोड़ी सी एक्सरसाइज, पेट की थोड़ी कम एक्सरसाइज करती हूँ। वाहिद एक एक्सरसाइज है जो मुझे करना लगता है कि मुझे पहाड़ पे चढ़ा दिया गया और कहा गया यहाँ से छलांग लगाओ, मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ, बट खुशी से नहीं करती, इंजॉय करके नहीं कर पाती, बिकॉज वो मेरे लिए थोड़ा टफ होता है। तो इसी तरह किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज यकीनन टफ होगी, वो कौन सी एक्सरसाइज है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको थोड़ा आसान कर दूंगी, उसकी जगह पे कोई और बता दूंगी। तो मैं रनिंग, जॉगिंग, वॉक करके आती हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी वार्म अप होती है। तो मुझे वार्म अप एक्सरसाइजेस कभी कभी करनी पड़ती हैं, डेली बेसिस पे मैं नहीं करती। तो अभी हम करेंगे साइड किक। आपने हल्का सा किसी चीज़ को होल्ड कर लिया, सपोर्ट ले ली, ताकि आपका पोस्चर ऐसे 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 या ऐसे ना हो, समझ रहे हैं आपको। तो आपने हल्का सा कोई किसी चीज़ का सपोर्ट ले लिया और आपने स्टार्टिंग में ये करना है, ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये आपने करना है, हल्का हल्का अपनी बॉडी को मूव करना है, अपनी बॉडी को आदत डालनी है एक्सरसाइज की। एकदम से आप लोग जब इसको बहुत जोर लगा के स्ट्रेच करके करेंगे ना, तो दूसरे दिन आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप हल्का हल्का स्टार्ट करें, ऐसे ऐसे मूव करें बॉडी, ताकि आपकी बॉडी आदी हो। और जब आपको लगे कि अब आपको ये आसान लग रहा है, जब भी कोई एक्सरसाइज हमें आसान लगना शुरू हो जाती है, इट मीन्स के हमारी बॉडी को इससे ऊपर अब कुछ चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए। तो आपने करना ये है, फिर आपने प्रॉपर करना है, अपनी बॉडी को सही से स्ट्रेच करना है, आपने अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना है। और अक्सर लोग ऐसे ऐसे झूले भी खाते हैं, ऐसे ऐसे झूले नहीं खाने, फूले माले नहीं करने, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्रॉपर। पोस्चर का परफेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, आपकी जो ब्रीथिंग है, इनहेल एक्सहेल प्रॉपर, उसका भी रहना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी ब्रीथिंग प्रॉपर रहती है तो हमें सांस नहीं चढ़ती, हमारी सांस नहीं फूलती, और हमारी जो एक्सरसाइज है जिस पार्ट के लिए हम कर रहे हैं वो पार्ट पे प्रॉपर फोकस रहती है। वो तो अब मैं प्रॉपर करूंगी, जैसे मैं तो आप इसके 20-20 रैप्स करेंगे स्टार्ट से, बिगनर्स के लिए भी, क्योंकि सॉरी जब आप ये कर रहे हैं ना तो ये बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। तो
इसको भी आपने 20-30 का सेट करना और 3 दिन सेट करने हैं। तो ये थी हमारी साइकिक। और हाँ, आप जब दूसरी टांग करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एंगल है वो चेंज होगा, तो आपने सेकंड साइड भी ऐसे ऐसे करनी है, स्लो स्लो अपना पोस्चर ठीक रखते हो। इसको थोड़ा प्रॉपर करेंगे, वही 30 रैप्स 20 रैप्स 3 सेट। ये एक एक्सरसाइज हो गई, ये फ्रंट किक और साइड किक ये आपने एक साथ करनी है। मैंने 2 वीडियो बनाई कल, फ्रंट किक की क्रॉस फ्रंट किक की, ठीक। आज मैंने बनाई साइड किक की और इसके साथ हम करेंगे एक्सरसाइज स्टिक के साथ, वो आपकी स्टिक के साथ बताती हूँ, आ जाइए। तो खैर, अपने लिए वक्त निकालें थोड़ा सा, इस तरह के डंडे तो सबके पास होंगे, घरों में अम्मियों से मार तो पड़ती होगी आप लोगों को, तो ये तो हो गया मजा। आप इस तरह की स्टिक लें, नहीं है घर में बनवा लें, टेप लगवा लें उसके ऊपर, टेप नहीं है तो ऐसे ही चला लें, ऐसे ही इसको कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। चीज़ों को जितना आसान बनाएंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, चीजों को आसान करना चाहिए ना कि मुश्किल। तो ये 2 से 3 पर्पस के लिए यूज होता है, मार के लिए सबसे पहले, कुटाई के लिए, सेकंड साइड्स के लिए जो हमारे लव हैंडल बन जाते हैं, हम इनको भी इसके थ्रू कम कर सकते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ से बट्स बन जाते हैं, लैट्स, इसको लैट्स वैसे बोलते हैं, तो यहाँ पे स्किन बहुत ज्यादा आ जाती है, तो मेरे स्किन यहां पे आती है, तो इसलिए मैं इसको, वैसे तो मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ बट आप लोगों को सिखा रही हूँ जो जिम नहीं जा सकते या जो बहुत शदीद किस्म के बिगनर हैं उनके लिए। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत करती थी इसे, अब थोड़ा सा कम, क्योंकि अब मुझे ये बहुत इजी लगता है, तो जो चीज इजी लगना शुरू हो जाए उससे अगले स्टेप पे चले जाना चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर एक स्टेप जाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के वो जो पार्ट हैं वो हिट हों। सॉरी, क्या कह रही हैं आप? अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, पीछे से आवाजें आती रहती हैं, सुनते रहते हैं ना। चलिए जी शुरू करते हैं। तो आपने ट्विस्ट करना है इसको, नीचे की बॉडी को आपने थोड़ा सा स्टक रखना है और अपर बॉडी को, ऊपर वाली बॉडी को आपने ऐसे ऐसे मूव करना है। बड़ी मजे की चीज है, अक्सर लोगों के अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा स्किन आ जाती है, जैसे मैंने बताया है बैक पे आ जाती है बहुत ज्यादा स्किन, तो इससे कम होती है। पुशअप्स और ये, एक पुशअप्स का सेट करें और एक इसका सेट करें, एक पुशअप्स का सेट करें इसका करें। मैं हमेशा 2 एक्सरसाइज एक साथ करती हूँ, अगर मैं पुशअप्स कर रही हूँ तो साथ में मैं कोई एक और सेट लगाऊंगी, फिर उसका सेट लगाऊंगी, फिर पुशअप्स का लगाऊंगी, तो 2 एक्सरसाइज में मिक्स करके करती हूँ। तो ये आपने, मैंने वैसे गिना नहीं है कितने हो गए, ये आप लोगों ने 20, 25, 30, 35 यू नो, जितना आपके लिए आसान होता जाए आपने उतने इसके रैप्स बढ़ाते रहना, रैप्स इसके भरते रहे, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया, पसीना बहुत आ रहा है मुझे, पता है मैंने इतनी गर्मी में, ये इतनी गर्म हुडी है, इसको पहनकर रनिंग की है, ठंडे पानी से मुंह धोया है, उसके बावजूद मेरी स्किन बहुत ज्यादा स्वेटिंग कर रही है। तो हम क्या करेंगे, शीशा भी देख लूंगा, मुझे लग रहा है मैं यहाँ मूव नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगी, आपको लगता है हो जाएगा मूव? हाँ हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, अपनी लेग्स को कर देना है बंद, ताकि लेग्स बंद करना इसलिए जरूरी है कि हमारी जो साइडें हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो, जो
जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा सा लेग्स को ओपन कर सकते हैं, वो इसलिए कि उनकी कोई पेन ना खिंच जाए। और जैसे जैसे आप डेज भरते रहेंगे, आप करते रहेंगे, आप अपनी लेग्स को बंद करते जाएंगे और लेग्स बंद करने के बाद आप ये करेंगे, ठीक है? सामने देखना है आपने, सामने देखना है और मैक्स स्ट्रेच करना है। जो होल्ड कर सकता है वो होल्ड करे, जो जितना स्ट्रेच कर सकता है उसको मैक्सिमम स्ट्रेच करे। फाइनल जो पोजीशन होगी वो ये होगी। स्टार्टिंग में आप ये भी कर सकते हैं, लाइट लेकिन फाइनल आपका जब होगा तो वो ये होगा। मेरी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं, इनमें से अगर आप डेली सिर्फ दो भी एक्सरसाइजेस कर लेंगे, जैसे लेग्स की हो गई, पुशअप्स हो गए, ये सब, तो डेली आप दो एक्सरसाइज भी करेंगे तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन विद डाइट। तो ये हो गई साइडें, ठीक है? इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर फर्क ना पड़ा ना तो ये डंडा देख रहे हैं ना आपको। खैर, तो आज की मेरी जो एक्सरसाइज थी आप लोगों के लिए वो दो थी, साइड के और स्टिक के साथ मैंने आप लोगों को अपर ट्विस्ट बताया और साइडें बताई कि आप अपनी साइडों को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। जो बहुत सारे कमेंट्स आपस में मिलते होंगे उन पर वीडियो बनाऊंगी, और जो सिंगल सिंगल कोई सवाल आपका होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स वैसे भी रीड करती हूँ, लाइक भी करती हूँ, तो इन बातों का भी जवाब दूंगी। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। देखें, मैंने इतना टाइम निकाल के स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो डाइट भी साथ साथ फॉलो करें और मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज को भी फॉलो करते रहें। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो एक नई एक्सरसाइज के साथ मैं आऊंगी आप लोगों के घर आप लोगों को बताने। तो उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते रहें और मेरी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय। पहले शुरू करते